चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित कर किया गया। जिस तरह कल ढलते सूर्य को व्रती महिलाओं ने संध्या अर्घ दिया था, ठीक उसी तरह आज उगते हुए सूर्य को श्रद्धा पूर्वक अर्घ दिया। छठ का पर्व सूर्य देव और मां छठी मैया को समर्पित होता है। वहीं इस मौके पर ज्ञान और मोक्ष की नगरी के फल्गु नदी में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं फल्गु नदी के पवित्र धारा में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य और पूरे परिवार के साथ अर्घ दिया और पूरा शहर छठी मैया के गीतों व जयकारों से भक्तिमय हो गया था। सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में सकारात्मकता आती है। मान्यता है कि सूर्य जगत की आत्मा है और संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। ऐसे में जब वो उदय होते हैं तो उनको अर्घ देना स्वास्थ्य और जीवन दोनों के लिए फलदायक होता है। प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ देने से शरीर निरोगी और ऊर्जावान बना रहता है। माना जाता है कि छठ पर्व में सूर्य अर्घ देने से कई अधिक गुना फल मिलता है और संतान की उन्नति होती है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन समस्त भारतवासियों के लिए महापर्व सूर्य षष्ठी महापर्व छठ पूजा का आयोजन विष्णुपद के निकट सूर्यकुंड सरोवर में किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुगण हजारों हजार की तादाद में यहां अभी तक अर्घ्य डाल चुके हैं। सूर्यकुंड में प्रथम सायंकालीन अर्घ्य देने का बहुत बड़ा विशेष फल लिखता है शास्त्रों में। भगवान भास्कर का अति अद्भुत प्रतिभा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत अच्छी है, प्रशासन भी अच्छे व्यवस्था किए हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और क्या, बहुत अच्छा है, पर्व अच्छे ही मन रहा है, खुशी खुशी सब कुछ हो रहा है, तैयारी बहुत अच्छा है। क्या नाम है? नाम अपना दीपा गुप्ता। कारण है इसको आप अर्घ दे रहे हैं? श्री नारायण भगवान दो साल हुआ है। क्या होता है इसका महत्व, क्या फायदा होते हैं? फायदा होता है, श्रद्धा से करता आदमी सब मनोकामना पूरा होता है भगवान की दया से। आज का दिन क्या मांगना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो मन का बात है ना सर, क्या कहना क्या चाहेंगे? क्या नाम है? रूबी देवी। छठ को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई थी और आज महत्वपूर्ण सूर्यकुंड में और अन्य जगहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। सभी लोग पूरे आस्था के साथ छठ का महापर्व मना रहे हैं और सभी व्यवस्थाएँ अच्छा है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ का आवागमन और साफ सफाई, सुरक्षा, सभी चीज़ें मुकम्मल है, लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आ रही है और हम लोग लगातार निगरानी रखते हुए सभी पदाधिकारी फील्ड में हैं। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।